दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। इस समय जो है अग्निवीर बनने के लिए 7,500 आवेदन आ चुके हैं और स्कूलों में ग्रुप डी का विज्ञापन जारी हो चुका है। बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अपनी जो है पहली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जिले के अंदर जो है शिक्षकों के तबादलों को CMG की मंजूरी। मतलब क्या है, इनके ट्रांसफ़र को जो है जब तक CMG की मंजूरी नहीं देते हैं तब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो वही जी इसमें लिखा हुआ आप स्वयं देख सकते हैं, जिलों के अंदर शिक्षकों के तबादले के लिए जो है जल्द ही आवेदन लिए जाएंगे और मुख्यमंत्री जी से जो है बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे दी गई है। अगले 2 दिन में जो है तबादले की नीति शुरू हो जाएगी। मतलब वही चीज़ है, CMG ने इनका इसके अंतर्गत आदेश दे दिए हैं। अपनी जो है अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आप स्वयं देख सकते हैं, राज्य कर्मचारियों में हाहाकार। मतलब काम न करने वाले भ्रष्ट होंगे जबरन रिटायरमेंट। मैंने आपको पहले बोल दिया पर एक का कल कमेंट आया था कि 50 साल वाली ये खबर बिल्कुल फेक है, पर फेक नहीं है, ये 100% खबर बिल्कुल सत्य है। न्यूज़ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों में हाहाकार मचा हुआ है। यूपी की जो है योगी सरकार सरकारी विभागों में कार्यरत 50 साल से अधिक उम्र वालों को जबरन रिटायरमेंट करने जा रही है। जबरन क्योंकि उनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार या फिर उनकी जो है उनकी सर्विस डायरी पर अगर रेड लाइन खींची हुई है तो वो जल्दी ही रिटायरमेंट होने वाले हैं। तैयार रहिएगा क्योंकि इसमें जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए हैं, 31 जुलाई तक जो फैसला अनिवार्य कर दिया गया। इसकी जानकारी जो 15 अगस्त तक आपको देनी पड़ेगी। किसी भी डिपार्टमेंट के अंतर्गत अगर कोई जो है पाया जाता है तो उसमें गंभीर आरोप लगा के उसको सस्पेंड किया जाएगा। मतलब कि 50 साल तक केवल जो एज के अनुसार आप नौकरी कर सकते हैं, इसके बाद योगी सरकार जो है वो आपको रिटायरमेंट कर देगी। अपनी जो है अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पहले चरण का जो है अंतिम इसमें उत्तर कुंजी जारी, मतलब कि आंसर की जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है NTA ने जो बुधवार को BE और BTEC वालों के जो पेपर फर्स्ट के लिए जो है JEE मेंस 2022 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अपनी जो है अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि 10वीं और 12वीं में इस साल से जो है NCC रहेगी। मतलब क्या है कि आपने देखा होगा NCC केवल और केवल जो है 12th में मिलती थी, 11th और 12th में केवल NCC मिलती, पर इस बार से जो है 10th क्लास में भी जो है NCC को प्रस्ताव कर दिया गया है कि यूपी के जो है बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की छात्र छात्राओं को जो 2022-23 में जो है शैक्षणिक सत्र में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का जो है इन्होंने बोल दिया गया, NCC जो है 10th क्लास से लागू हो जाएगी। अपनी जो है अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आप स्वयं देख सकते हैं कि हरियाणा में 5,000 कांस्टेबल की नियुक्ति पत्र देने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। 5,000 पदों पर जो है इनका चयन हो चुका था, पर पंजाब एवं हरियाणा में हाई कोर्ट ने इसमें जो है रोक लगा दी गई है, इसमें कोई भर्ती नहीं होगी। इनके ज्वाइनिंग लेटर पर जो है वो रोक लग चुकी है। इसमें लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत रोक क्यों लगी है, मेरिट सूची में घपला हुआ था इसलिए जो इस पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा में 5,000 कांस्टेबल थे, उनको अभी जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला नौकरी का। अपनी जो है अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि JEE मेंस के दूसरे सत्र के लिए आवेदन एक और मौका छात्रों को दिया जाएगा। छात्रों की मांग पर जो फैसला अब जो है 9 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। पहले जो है 30 जून को ख़त्म हो जाएगी समय सीमा। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत जो है इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जुड़ी एजेंसी जो है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE इसके दूसरे सत्र में आवेदन के लिए चूके छात्रों को एक बार और मौका मिलने जा रहा है। JEE एडवांस के लिए 7 अगस्त से रजिस्ट्रेशन होंगे। मतलब वही चीज़ है, 7 अगस्त से जो एक बार इनको और मौका मिलने जा रहा है। तैयार रहिएगा, 7 तारीख से जो है इसके आवेदन दोबारा से लिए जा रहे हैं। अपनी जो है अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड में जो कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 10 से करें आवेदन। मतलब कि अगर आप 10th और 12th की कंपार्टमेंट परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसके लिए आवेदन जो है वो 10 तारीख से आप कर सकते हैं। लिखा हुआ कि हाई स्कूल के जो है परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए एक विषय के लिए जो इम्प्रूवमेंट, जबकि 2 विषयों के लिए जो है दे सकते हैं कंपार्टमेंट परीक्षा। अपनी जो है अगली अपडेट की ओर इसमें बढ़ते हैं कि ITI मतलब कि ITI में प्रवेश के लिए आज से करें आवेदन। मतलब कि सरकारी और निजी औद्योगिक संस्थान जो होते हैं प्रशिक्षण संस्थान, इसमें जो है 31 तक जो है 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन में यदि गलती होती तो उसमें सुधार भी हो सकता है। उसके अंतर्गत जो है ITI में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, आप तैयार रहिएगा। अपनी जो है अगली अपडेट की ओर इसमें बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आप स्वयं देख सकते हैं, लखनऊ में शांतिपूर्वक निपटी संयुक्त प्रवेश परीक्षा, आसान प्रश्न पत्र देखकर चमके चेहरे। मतलब कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे जो है इसमें हार्ड क्वेश्चन आए थे, पर कहीं कहीं किसी जो है समाचार पत्रों के माध्यम से लिखा हुआ कि BEd सवाल आसान। मतलब क्या, BEd जो है सवाल आसान खिली
मुस्कान, इसमें क्या बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में जिस तरीके का आसान प्रश्न पत्र आया था उसमें जो है उससे मेरिट बहुत ऊँची जागी और जब परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों खिलखिलाते हुए चेहरे, मतलब वही चीज़ चारबाग स्थित जो है जयसिनारायण लखनऊ एक कॉलेज है वहाँ से निकलते हुए छात्र। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो बीएड को लेकर जो उत्साह दिखा, मतलब क्या 93% उपस्थिति रही है, मंडल के 168 केंद्रों पर हुई है बीएड की प्रवेश परीक्षा, इसमें बीएड के 112 असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज आवंटित कर दिए गए हैं। अपनी जो है अगली अपडेट की ओर इसमें बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि HSSP में जो है 297 पदों पर जो है स्पेशल एजुकेटर पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करेंगे तो आवेदन की अंतिम तिथि जो है आप स्वयं देख सकते हैं 15 जुलाई 2022 तक, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये दे रखी है, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। एक तरफ तो जो है बीएड करने वालों की लाइन लगी पड़ी है, पर एक तरफ जो है डीएलएड, इसमें लिखा हुआ डीएलएड में जो है 4 साल से नहीं भर पा रही सीटें, मतलब वही चीज़ है क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया कि बीएड वालों के जो है बीएड वालों के कम से कम 6 से 7 मौके बन जाते हैं और डीएलएड केवल एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए होता है, इसलिए कोई इसको नहीं करता, बहुत कम करते हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती 4 साल से आई भी नहीं है। अपनी जो अगली अपडेट की ओर इसमें बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ कि इसमें जो है अग्निवीर बनने के लिए जो है वायुसेना में रिकॉर्ड तोड़, मतलब 7.5 लाख आवेदन हो चुके हैं, किसी भी भर्ती में नहीं दिखा इतना उत्साह, मतलब 6.31 लाख का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसमें हाल ही में एक जो है हिंसक विरोध प्रदर्शन के बावजूद जो है अग्निपथ योजना के तहत जो है वायुसेना में जो है अब तक 7.5 लाख युवाओं ने आवेदन कर दिया, इतने आवेदन वायुसेना में कभी नहीं आए हैं, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने देखा बेरोजगारी बहुत है और कहीं से जो है बस कहीं से कहीं तक कोई नौकरी मिल जाए, तो वायुसेना के अग्निपथ के लिए 10 दिन में जो आवेदन आ चुके हैं कम से कम जो है 7.5 लाख आवेदन, और अभी तक जो कितने और आने बाकी हैं। सलाहकार समिति 8 जुलाई करेगी विचार, मतलब क्या 8 जुलाई को करेगी विचार सलाहकार समिति जो है ना। और जो है किसी समाचार पत्रों के माध्यम से लिखा हुआ है कि सामान्य अध्ययन और गणित ने सवालों ने अभ्यर्थी को उलझाया, मतलब क्या किसी में दे रखा बहुत आसान आया पेपर बीएड का और कहीं दे रखा है कि बहुत जो है बहुत हार्ड आया है। अब देखते हैं इसमें SSC जो है इसके अंतर्गत 2022-23 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। इसमें जो है अक्टूबर में होगा कांस्टेबल ड्राइवर का एग्ज़ाम। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है UPSI की जो भर्ती में धांधली हुई थी उसके लिए लेटर जारी कर दिया गया, तो मुख्यमंत्री जी ने जो है इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। अब देखते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो है इसमें प्रसिद्धित विद्यालयों में कम से कम पढ़ेंगे 1000 शिक्षक, मतलब क्या इसमें जो है बढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जो है करीब 5 लाख तक पहुँच जाएगी प्रसिद्धित स्कूलों की संख्या, छात्र संख्या। पद की संख्या तो बहुत सारी दे रखी है पर ये भर्ती नहीं हो रही, 15,000 शिक्षकों की भर्ती अभी जो है बाकी है, तो इसके अंतर्गत देख सकते हैं एक एक स्कूल के अंतर्गत बहुत बहुत पद खाली हैं। स्कूल के अंतर्गत जो है स्कूल के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आवेदन आमंत्रित शुरू इसमें हो चुके हैं और 10 इसमें 8वीं और 10वीं होना चाहिए। ऑनलाइन जो आवेदन होंगे वो चपरासी के चौकीदार के ड्राइवर के हो चुके हैं स्कूलों के अंतर्गत जो है। चपरासी भर्ती के लिए आपको आवेदन कहाँ से करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये दे रखी, यहाँ से जाके जो आपको इसमें जो आवेदन कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जो है नेम ऑफ द पोस्ट का नाम है प्योन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन कोई भर्ती आपके से छूटना चाहे कोई सोचना आपके से निकलना चाहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करें प्लस। थैंक यू वेरी मच।